इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी से, जहां पर सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया है। जवानों का ऑपरेशन वहां पर जारी है। 3 से 4 आतंकवादी इस वक्त घिर गए हैं राजौरी के कांद्रा इलाके में। कांद्रा इलाके में ये आतंकवादी घिरे हुए हैं। तलाशी अभियान वहां पर जारी है। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेरा हुआ है। सर्च ऑपरेशन जारी है। बारिश भी वहां पर हो रही है, लेकिन इस बीच में अभी भी जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। बहुत बड़ी खबर इस वक्त। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में, और कल देर रात से यहां पर एक मुठभेड़ चल रही है सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच। दरअसल सुरक्षा बलों के पास एक पहले से इनपुट था कि यहां के जो जंगल हैं, उन जंगलों में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हो सकते हैं। उसके बाद यहां पर एक तलाशी अभियान चलाया जाता है, और कल देर रात सुरक्षा बलों का संपर्क आतंकवादियों से हो पाता है, और उसके बाद वहां पर एक मुठभेड़ शुरू हो जाती है। जो जानकारी हमें मिली है कि 3 से 4 आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हो सकते हैं, तो इसके लिए अब सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान चलाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो, भारतीय सेना हो, जो इनके जवान है वो इस समय जंगल के इलाके में गए हैं, और वहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। और साथ ही में जो मुठभेड़ कल शुरू हुई थी उसमें अभी थोड़ा विराम लगा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मौसम यहाँ काफी ज्यादा खराब है। कल देर रात से ही यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण इस ऑपरेशन को पूरा करने में सुरक्षा बलों को थोड़ी दिक्कत भी हो रही है। लेकिन विषम परिस्थितियों के बावजूद सुरक्षा बल तत्परता के साथ इस कार्य में लगे हैं कि जल्द से जल्द आतंकवादियों को ढेर कर दिया जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजौरी में भी सुरक्षा जो है वो कड़ी कर दी गई है। बख्तरबंद गाड़ियां हैं यहाँ पर भारतीय सेना की, जम्मू कश्मीर पुलिस की, और मीडिया को अनुमति नहीं दी जा रही है जहां पर ये मुठभेड़ चल रही है।